दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। औरंगाबाद में दिन दहाड़े जेवर दुकान में लूट की एक बड़ी घटना का मामला सामने आया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के न्यूकाजी मोहल्ला स्थित डीके ऑर्नामेंट संस्थान से जुड़ा है। व्यवसायी ने बताया कि दो बाइक पर सवार होकर पांच अपराधी वहां पहुंचे और हथियार के बल पर वहां रखे लगभग 35 लाख के जेवर लूट कर फायरिंग करते हुए आराम से चलते बने। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि किस तरीके से हथियार के बल पर लुटेरों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दुकान में घुसे लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर पहले दुकान मालिक तथा उसके कर्मी को बंधक बनाया और फिर तिजोरी खोल उसमें रखे जेवरात तथा नकदी ले आराम से चलते बने। लूट की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन की। इधर इस मामले की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ घटना स्थल पहुंचे और गहनता से मामले की छानबीन की और अपराधियों की धरपकड़ के सख्त निर्देश दिए। चार से पांच लोग की संख्या में अचानक लोग घुसे, पिस्टल लूट रहे थे और हमारे सर पर पिस्टल से मारे, सर से खून बने लगा, टेप लिए हुए थे उन लोग, टेप से हाथ को बांधने की कोशिश किया और उसके बाद मीरा खुला और खुल लेकर सब चले गए। कितना का लूट? ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की घटना हुई है, जांच हो रही है, पहचान कर रहे हैं हम लोग, उसको शीघ्र पकड़ेंगे। कितने संख्या में लोग आए हैं? अभी तो क्लियर नहीं है, लगता है चार पाँच है। क्या कर रही सर इसमें? सर पुलिस सर जाँच कर रही है, पुलिस सभी पता कर रही है। औरंगाबाद में जहरीली चाय पीने से सात लोग बीमार हो गए हैं। घटना देव थाना के कन्नौदी गांव की है। परिजनों ने बताया कि सबों ने चाय की दुकान पर चाय पी थी, उसके बाद उनके सर में दर्द हुआ और सभी नशे में मदहोश हो गए थे। आनंद फानंद सबों को औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने गया रेफर कर दिया है। बूढ़ा आदमी था, सुबह के टाइम में चाय की भपकी में ढील की दवा रखल था, उसे नहीं इसको दाना लिए बुझाया, चाय में डाल दिया और सारे लेकिन जो लेकिन बगारी जो भी थे छः सात को सारे पी गए, वो निशा में हो गए। वहाँ से फिर लेके आदमी हॉस्पिटल गया, देव से फिर वहाँ से रेफर हुए तो औरंगाबाद आए। यहाँ से भी रेफर हुआ है एक आदमी को। मतलब पॉइजनिंग का ही लक्षण है, उसी का ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में खाया गया है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाया गया है। जी हाँ, कश्मीरी
फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारे। साथ साथ बच्चों के लिए भी सभी उलेन ड्रेस उपलब्ध है। साथ साथ 50% की भारी छूट, 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं उसके प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति से मीडिया कर्मियों को अवगत कराने को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में ग्रामीण विकास अभिकरण एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित कार्यों की प्रगति उप विकास आयुक्त संजीव कुमार सिंह एवं पंचायती राज विभाग के कार्यों की प्रगति की जानकारी पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा द्वारा दिया गया। इस प्रेस वार्ता में जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी धर्मवीर कुमार सिंह भी उपस्थित थे। डीडीसी ने मनरेगा योजना के तहत नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण लक्ष्य एवं उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। के लिए हम लोगों का प्रयास है, पहला सुधारात्मक, अगर सुधार योग्य है तो हम लोग यही निर्देश दे रहे हैं। हम लोग 76 वार्डों में, अभी 76 वार्डों में जांच हम लोगों ने कराया, उसके आधार पर सबसे कारण परीक्षा की गई और सबको समय दिया गया है कि जो जो त्रुटियां है उसका सुधार करें। अगर सुधार नहीं करेंगे तो उस पर जो कार्यवाही कानून कहेगा वो हम लोग करेंगे। ईडी की टीम आज औरंगाबाद के कुटुंबा पहुंची, जहां उन्होंने कुख्यात नक्सली विनय यादव की परिसंपत्तियों को जब्त किया। प्रवर्तन निदेशालय के पटना स्थित कार्यालय के सहायक निदेशक अतुल कुमार के नेतृत्व में आई टीम ने नक्सली विनय की 3 बसों, 1 जेसीबी, 1 बोलेरो तथा 1 मिनी वैन को अटैच कर अम्बा थाने को सुपुर्द कर दिया है और आगे कार्यवाही में जुट गयी है। गौरतलब है कि ईडी की टीम पिछले 4 दिसंबर को भी यहां पहुंची थी और विनय की जमीन तथा औरंगाबाद स्थित मकान को मिलाकर कुल 86 लाख संपत्ति को जब्त किया था, मगर उस वक्त इन वाहनों की जब्ती नहीं हो सकी थी। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक युवक के गंभीर रूप से झुलस जाने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हमीदनगर गोह मार्ग को जाम कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने टायर जलाकर न सिर्फ आगजनी की बल्कि बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि विभाग की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। बाद में उपहारा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए ग्रामीणों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया, तब जाकर लगभग 5 घंटे बाद सड़क जाम हट सका। बुरी तरह झुलस गया, उसको इलाज है तू मगध मेडिकल में लोग ले गया। इसी चलते मैंने अभी तक हम लोग उसको इंतजार में थे, मैंने दवा दारू। अभी स्थिति क्या है यहाँ, जो स्थिति है इस गांव का? सर बहुत है कि इतना के बावजूद भी कोई पदाधिकारी बिजली विभाग के नहीं आए। उस दिन से बिजली भी यहाँ ठप है, सभी को मोबाइल भी डिस्चार्ज भेल है और लड़का की स्थिति ठीक नहीं है। वाला तार गिरा था, जैसे ही मेरा भाई यहाँ फोन किया गया कि लाइन काट दो, और जैसे लाइन नहीं कटा था, और जैसे ही मेरा भाई उस 11,000 वोल्ट वाला तार को धरा और लाइन नहीं कटा था, इसलिए वो पूरी तरह से झुलस गया विभाग में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।